देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। लोकसभा के गौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम केशव नगर, मोकलपुर, हतियागढ़, मनसुखपुर में नुक्कड़ जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह ने अपने अपने चिर परिचित अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जुमलेबाजों की पार्टी है बीजेपी। इनके सांसदों द्वारा जनता को गुमराह करके कोई विकास का कार्य 5 साल में नहीं किया गया। मोदी द्वारा कहा गया था कि सभी के खाते में 15 लाख रुपए भेजूंगा, लेकिन अभी तक कोई धनराशि किसी को प्राप्त नहीं हुई। गांव गरीब जनता पेंशन के लिए भटक रही है तथा इनके समाज कल्याण मंत्री कह रहे हैं कि अभी तो जांच प्रक्रिया में है। कभी बताते हैं कि ऑनलाइन में कोई कमी हो गई है। अरे कब तक ठगोगे जनता को आप? बातों में आने वाले लोग नहीं है। इनके नेता योगी आदित्यनाथ दंगा मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। भाजपा प्रत्याशी के कीर्तिवर्धन सिंह जनता के बीच में ना रहकर राजमहल में सोते रहते हैं। जनता अब की बार इनकी जमानत जब्त कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह, हाफिज मालिक, कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से अतीनानंद तिवारी, विक्की मिश्रा, बसपा नेता अमर सिंह पटेल, बब्बू सिंह, विजय वर्मा, जमुना वर्मा, दीपक, डॉक्टर सुखीराम प्रधान, अंबुज तिवारी, गुड्डू सिंह प्रधान एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर तमाम बीडीसी प्रधान सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे। गोंडा से संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।